टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, इनबीसीएन न्यूज की टॉप 20 खबरों में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ। सांप और उसके जहर की तस्करी के मामले में नोएडा पुलिस ने दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ईश्वर और विनय नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में इलविश यादव की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में अभी तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने कहा कि मेरी तैयारी सभी सीटों पर है। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए। आज कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा भेजे सभी नव समन को चुनौती दी है। उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट के लिए आज फिर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इसमें 30 सीटों पर मंथन होगा। 8 राज्यों की 50 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग आज पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी कर देगा। केंद्रीय मंत्री शोभा कारंदलाजे ने तमिलनाडु वालों को लेकर की गई टिप्पणी पर माफी मांगी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पर पश्चिम बंगाल के एलओपी और बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का कहना है, भारत के संविधान का अंतिम शब्द है कि हर कोई भारत की संसद द्वारा अनुमोदित कानूनों के अनुसार चले। डेरेक ओब्रायन की पार्टी टीएमसी पश्चिम बंगाल में संविधान के 4 स्तंभों को नष्ट कर रही है। आज सुबह 2:57 पर पाकिस्तान में रिएक्ट पैमाने पर 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में जेडीयू को बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने दिया इस्तीफा। अली अशरफ फातमी राजद का दामन थामेंगे और वो मधुबनी से संबंधित उम्मीदवार भी हो सकते हैं। बदायूं में दो भाइयों की हत्या से शहर में तनाव बना हुआ है। सुरक्षा को लेकर पूरे शहर को पुलिस छावनी बना दिया है। उधर मृतक भाइयों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया। दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। जापान की राजधानी टोक्यो के लिए 20 मार्च 1995 किसी काले दिन से कम नहीं है। इसी दिन टोक्यो के सबवे सिस्टम पर सिरिन नामक जहरीले गैस से हमला कर दिया गया। 5 अलग अलग ट्रेनों में उन्होंने ऐसे कंटेनर रखवाए थे जिनसे गैस लीक कर रही थी। इस हमले में 13 लोगों की जान चली गई और हजारों दूसरे घायल हो गए। रिलायंस पावर ने पिछले हफ्ते 3 बैंक आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक और डीबीएस बैंक के कर्ज का भुगतान किया था, जबकि इसकी पेरेंट कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के 2100 करोड़ रुपए के ड्यूज को सेटल करने की दिशा में काम कर रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को 2006 के एक फर्जी इनकाउंटर मामले में दोषी ठहराया। अदालत ने प्रदीप शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कांग्रेस की शुरुआती तैयारी के मुताबिक राहुल गांधी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण भी लगभग आधा दर्जन भाषाओं में प्रसारित किए जाएंगे, ताकि वोटर्स को यह भाषण अच्छी तरह से समझ आए। खास बात यह है कि इस बार AI के जरिए चर्चित नेता वोटरों को उनके नाम से पुकारते नजर आएंगे। तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन, DM के सांसद केनिमोजी और अन्य पार्टी नेताओं की मौजूदगी में DMK के आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में बैठक की और पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की। महाराष्ट्र से अपने उम्मीदवारों पर चर्चा करने और उनके नामों को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक शुरू हो गई है। खबर है कि महाराष्ट्र में NDA को मनसे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ मिल सकता है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की है। उधर राज ठाकरे के दिल्ली दौरे पर NCP ने सोशल मीडिया पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि रेल इंजन की दोहरी भूमिका आखिरकार स्पष्ट हो गई। अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अपार्टमेंट ब्लॉक में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 8,500 चार्जर स्थापित करने पर विचार कर रही है। अडानी ग्रुप की कंपनी ने जानकारी देते हुए कहा कि मंगलवार को इसने शेयर चार्ज पहल शुरू की है, जिसके तहत कई वाहन मालिक एक ही चार्जिंग ढांचे का उपयोग कर सकते हैं। भारत में भी क्रिप्टो करेंसी को एक डिजिटल एसेट के तौर पर मान्यता मिली है। ये करेंसी की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकती, यानी आप क्रिप्टो करेंसी से किसी भी सामान या सर्विस की सेल परचेस नहीं कर सकते हैं या इससे किसी तरह के पेमेंट नहीं कर सकते। हालांकि एक डिजिटल एसेट क्लास के तौर पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश या ट्रेडिंग कर सकते हैं।
भारत जीडीपी की 8% की रफ्तार कायम रख सकता है या इससे भी आगे निकल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक मंगलवार को जारी अर्थव्यवस्था की स्थिति पर मार्च के बुलेटिन में कहा गया है कि देश का अनुकूल वृद्धि आर्थिक माहौल वृद्धि दर को आगे बढ़ाने का आधार बन सकता है। देश दुनिया की ऐसी ही टॉप 20 खबरें जानने के लिए देखते रहे इनबीसी न्यूज़। धन्यवाद।